ऑल्ट की ऐसी कमांड जो हमारे डेटा को एक्सेल में बहुत ज्यादा आसान बनाती है। आइए सीखते हैं, कमांड बहुत ज्यादा काम आएंगे। जैसे कि पहली कमांड है ऑल्ट एन वी सी, जो हमारे डेटा को पाइवट टेबल चार्ट में कन्वर्ट करेगी। तो सबसे पहले प्रॉपर डेटा को सिलेक्ट करेंगे और कमांड यूज करेंगे ऑल्ट एन वी सी, एंटर यूज करेंगे। अब हमारे डेटा में चार हेडिंग थी, नेम, एड्रेस, फैकल्टी और सैलरी, चारों पर टिक लगाएंगे। जैसे ही हम टिक लगाएंगे हमारा डेटा पाइवट टेबल और चार्ट में कन्वर्ट हो गया, हमारे सामने आ गया। वापिस अपनी सीट पर आते हैं। अब दूसरी कमांड है कंट्रोल टी, जो कन्वर्ट करेगी हमारे डेटा को फिल्टर के लिए। तो सेलेक्ट करके कंट्रोल टी यूज करेंगे, हमारा डेटा फिल्टर लग जाएगा। अब फिल्टर काम करता है जैसे कि इसमें से मैनेजर है, मैनेजर हमें इस लिस्ट से हटाना है तो मैनेजर से राइट का टिक हटा देना, ओके करना, मैनेजर अपने प्रॉपर डेटा के साथ यहां से हट जाएगा। कंट्रोल जेड करके वापस लाएंगे। अब नेक्स्ट कमांड है ऑल्ट एच एफ क्यू ओ, जो हमारे डेटा की हेडिंग्स को रोटेट करेगा। सेलेक्ट करके कमांड यूज करेंगे ऑल्ट एच एफ क्यू ओ, तो हमारी सारी हेडिंग्स रोटेट हो जाएंगी। फिर हम कंट्रोल जेड लेंगे बैक हटने के लिए। नेक्स्ट कमांड है ऑल्ट एच एल एस, जो कलर को स्केलिंग देगा। तो सेलेक्ट करके हम कमांड यूज करेंगे ऑल्ट एच एल एस, एंटर यूज करेंगे, हमारा डेटा कलर स्केलिंग हो जाएगा। ध्यान रहे ये कलर स्केलिंग सिर्फ न्यूमेरिकल डिजिट पर ही वर्क करता है। नेक्स्ट कमांड है हमारी प्रोटेक्ट सीट, यानी कि हम अपने डेटा पर लॉक लगा सकते हैं। जैसे कि अभी हम काम कर रहे हैं, यदि इस पर हम कमांड यूज कर ले ऑल्ट आर पी एस, तो एंटर पासवर्ड लगाएंगे 123 123, कंफर्म करेंगे, अब पासवर्ड लग चुका है, वर्क ही नहीं करेगा।